खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव में दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई, जिसमें सीओ बेलहौर सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और सीओ बिठूर समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों को गंभीर हाल में रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पता चला है कि विकास दुबे नाम का बदमाश और उसके साथियों ने छत से पुलिस की टीम पर गोलियां बरसाई और हमले के बाद पुलिस के असलहे भी लूट गए। पता चला कि विकास दुबे ने थाने में घुसकर राजमंत्री की हत्या की थी। एडीजी कानपुर जॉन, एजी रेंज, एसपी कानपुर समेत भारी पुलिस फोर्स पे मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें, विकास दुबे को पकड़ने के लिए एसटीएफ भी लगाई गई है। उधर एडीजीपी एचसी अवधि में भी मौके पर पहुंच गए और आपको बता दें एडीजी एचओ प्रशांत कुमार मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। घटना पर डीजीपी ने कहा कि हत्या के प्रयास मामले में दबिश देने गई टीम पर घात लगाकर फायरिंग हुई है। एक सीओ, एक एसओ, एक चौकी इंचार्ज, 5 सिपाही शहीद हुए हैं, 4 सिपाही घायल हैं। घायलों की उचित इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पड़ोसी जिले के पुलिस को भी लगाया गया है। आरोपी के गिरफ्तारी में एसटीएफ को भी लगाया गया है। लखनऊ से एक फायर रेसिंग की टीम भी कानपुर जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जाते हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कंप्लेन प्रारंभ कर दी है और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहा जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको बताएं।